नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। गौतम अडानी, इनका चित्र आप देख रहे होंगे, ये भारत की इकोनॉमी का 1% कर्ज लेकर बैठे हैं। आपको बता दें कि ये दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति कैसे बने, इसके तमाम जो सवाल हैं, तमाम जो सच्चाई है वो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं, आंकड़े भी दिखा रहे हैं। लेकिन अब सवाल एक बड़ा खड़ा हो गया कि आखिर क्यों इंडियन इकोनॉमी का 1% जो है कर्ज लेकर गौतम अडानी बैठे हैं। पहले आप इस रिपोर्ट को सुनिए, जिस रिपोर्ट में एक एक पॉइंट पर चर्चा की गई और साफ तौर पर बताया गया है कि आखिर 1% कर्ज गौतम अडानी पर क्यों। सुनिए इस रिपोर्ट को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार अक्टूबर के अंत में भारत की 9 मिलियन जीडीपी 273 ट्रिलियन रुपए थी। इसका मतलब है कि जो कर्ज अडानी पर है वो देश की जीडीपी का करीब 1.2% है। अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों का कलेक्टिव इक्विटी रेशियो 25% था। गौतम अडानी और अडानी ग्रुप को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, कुछ भारत तो कुछ विदेशी धरती से भी बातें सामने आ रही हैं। निक्केई एशिया की फ्रेश रिपोर्ट से पता चलता है कि अडानी ग्रुप का कुल कर्ज 3.39 ट्रिलियन रुपए यानी कि 41.1 बिलियन डॉलर तक है और यह इंडियन इकोनॉमी के कम से कम 1% के बराबर है। निक्केई की कैलकुलेशन के अनुसार अडानी ग्रुप ने पिछले साल 3 कंपनियों को खरीदा था, जिसमें ACC, अंबुजा सीमेंट्स और नई दिल्ली टेलीविजन शामिल है, जिसकी वजह से ग्रुप पर लायबिलिटीज में इजाफा देखने को मिला है जो कि 3.39 ट्रिलियन रुपए तक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार अक्टूबर के अंत में भारत की 9 मिलियन जीडीपी 273 ट्रिलियन रुपए थी। इसका मतलब है कि जो कर्ज अडानी पर है वो देश की जीडीपी का करीब 1.2% है। अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों का कलेक्टिव इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो 25% था। निक्केई की रिपोर्ट में कहा गया कि उनमें से एक अडानी ग्रीन एनर्जी का मार्च 2022 तक सिर्फ 2% का इक्विटी रेशियो था। इसका मतलब है कि 10 ग्रुप कंपनियों के पास 4.8 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा के असेट्स हैं। जी हाँ, असेट्स हैं, लेकिन निवेशकों की चिंता इतने बड़े कर्ज को लेकर है। अडानी ग्रुप में निजी तौर पर कई कंपनियों की भीड़ है, जिसका अर्थ है कि इसका कुल लोन का लोड भी ज्यादा हो सकता है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर क्रैश हो गए, जिसके बाद गौतम अडानी ने देश के सबसे बड़े FPO फुल सब्सक्राइब होने के बाद भी वापस ले लिया, जिससे निवेशकों के मूड को झटका लगा है। अडानी ग्रुप ने स्टॉक हेर फेर के आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसका कोई आधार नहीं है। पिछले हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक ने अडानी समूह को लोन रिस्क से निकलने वाले झटकों का सामना करने के लिए भारतीय बैंकिंग सिस्टम की क्षमता के बारे में अटकलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह बैंकिंग सेक्टर को लचीला और स्थिर बना देगा। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि अडानी ग्रुप में 80,000 करोड़ रुपए को लोन रिस्क पर है, जो ग्रुप के लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए के कुल कर्ज का लगभग 40% है। देश के सबसे बड़े बैंक के अलावा देश के सरकारी बैंकों ने कुल बैंकिंग सिस्टम के कुल लोन को लगभग 30% का लगभग 3/4 उधार दिया है। भारत के प्राइवेट लेंडर्स का हिस्सा कुल के 10% का 1/4, 10% पर 1/4 है। विदेशी बैंकों ने ग्रुप द्वारा किए गए बड़े अधिग्रहणों को फाइनेंस किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि देश के प्रधानमंत्री सहित ये तमाम जो BJP के नेता हैं, जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्या अडानी का साथ देंगे। लगातार देखा गया कि 1% इकोनॉमी की बात चल रही थी, तो क्या इसको बचाने का काम किया जाएगा। दर्शकों, आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि आखिर कैसे यहाँ पर अडानी पर एक के बाद एक बड़ी तलवार लटक रही है। अखिलेश यादव तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, यहाँ पर राहुल गांधी का जिक्र करेंगे, पवन खेड़ा का जिक्र करेंगे, तमाम नेता बड़े बड़े जो है कमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि अडानी और मोदी के रिश्तों ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी खराब कर दिया, भारत की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बद से बदतर हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें दर्शकों निकल कर आ रही हैं। तो देखिए आपने इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि गौतम अडानी इस कर्ज को कैसे चुकाएंगे। ये जो पैसा है अर्थव्यवस्था का, ये पैसा हम और आपका है। क्या अब सरकार
हमारे और आपके जेबों से पैसा वसूलेगी? क्या हमारा और आपका पैसा अडानी के कर्ज को चुकाएगा? क्या और भी महंगाई होगी? क्या अर्थव्यवस्था वध से बदतर हो जाएगी? ये तमाम सवाल दर्शकों खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि अडानी की नींद कब खुलेगी? क्या अडानी इस कर्ज को चुका पाएंगे? क्या भारत के प्रधानमंत्री इस मुद्दे को लेकर कभी चर्चा करेंगे? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।